मंथ 100 से ज्यादा गिरफ्तारी थी, अब तक भी मामले आर्म्स एक्ट के मामले, SC ST के मामले हैं, उसमें भी गिरफ्तारी हो रही है। थाना में गुंडा पंजी में अंकित किया जा रहा है, सभी पर निगरानी रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं सर ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है माल सलामी थाना। पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं, वजह है गिरफ्तारी, रिकवरी। और जिस तरह बिहार में शराबबंदी है, उस तरह पुलिस भी चुस्त मुस्तैद छापेमारी करके, चाहे वो शराब कारोबारी हो या फिर शराब के सेवन करने वाले मामले में अगर देखा जाए तो माल सलामी थाना पूरे थानों से नंबर वन में है। गिरफ्तारी में भी है, रिकवरी में भी है, और चाहे वो फिर हत्या के प्रयास हो, हत्या के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई हो, अन्य वारंटियों के बीच कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो ताबड़तोड़ जिस रूप से छापेमारी होनी चाहिए उस तरह छापेमारी करती है माल सलामी थाना। हम सीधे चलते हैं यहाँ के थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी से, वो क्या कहते हैं। ये पिछले अप्रैल और मई में लगभग कितने हैं सर? अभी पिछले मंथ 100 से ज़्यादा गिरफ्तारी थी, अब तक भी 75 से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 100 के करीब हम लोग गिरफ्तारी करने का उम्मीद करते हैं। आखिरी अभी 8-10 दिन बच रहे हैं उसमें, जिसमें मैक्सिमम जो है 60-70% लोग की गिरफ्तारी जो है शराब बेचने और पीने में, यानी शराब कारोबारी और पीने वाले को, शराबबंदी को लेकर जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है उसमें होती है। बाकी जो है 30-35% मामलों में कुछ हत्या के वांछित जो है अभियुक्त काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे, 2010 से फरार चल रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हत्या के प्रयास मामलों में भी लगभग 20 गिरफ्तारी हुई है। अन्य जो है अवैध रूप से जुआ चल रहा है, गेसिंग सेंटर पर छापेमारी की जा रही है, उसमें भी 14 लोगों की एक दिन में गिरफ्तारी हुई थी। मतलब प्रत्येक मंथ 100 से अधिक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें सभी तरह का जो है जो हेड क्राइम है, ग्रीवियस क्राइम है, उसमें भी गिरफ्तारी हो रही है। हत्या हो गया, हत्या का प्रयास हो गया, पुराने अन्य मामले, आर्म्स एक्ट के मामले, SC ST के मामले हैं, उसमें भी गिरफ्तारी हो रही है। लगातार जो है छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, प्रतिदिन गिरफ्तारी की जा रही है। जितने भी वांटेड हैं, पुराने पेशेवर अपराधी हैं, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। कुछ क्राइम में कुछ कम हुआ है इस थाने? हाँ बिल्कुल, क्राइम अभी पिछले 2 महीने से किसी तरह का कोई हेड क्राइम नहीं हुआ है। लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं, सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है। पुराने जेल से छूटे हुए अपराधी जो हैं उन पर निगरानी रख रहे हैं, उनको गुंडा परेड करवाया जा रहा है, गुंडा प्रस्ताव भेज कर नए नए गुंडा जो है थाना में गुंडा पंजी में अंकित किया जा रहा है, सभी पर निगरानी रखा जा रहा है। छापेमारी अभी भी हो रही है? हाँ, प्रतिदिन छापेमारी हो रही है, प्रतिदिन गिरफ्तारी हो भी रही है। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, जिस तरह से अप्रैल और मई महीने में अभी लगभग 1 सप्ताह बच गया, लेकिन हाँ प्रत्येक महीना 100 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हो रही, चाहे वो शराब कारोबारी हो या फिर शराब के सेवन करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। और अन्य मामलों में जब बातचीत हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हत्या के प्रयास हो या हत्या के सिलसिले में उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और साथ में अन्य वारंटियों को भी शिकंजा कसा गया है। कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो खास करके अगर पूरे पटना सिटी थानों में अगर गौर कीजिएगा तो नंबर वन में माल सलामी थाना इस मामले में, खास करके गिरफ्तारी के मामले में नंबर वन पोजीशन में है। और कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो सरकार की एक अहम खास करके चुनौती है शराबबंदी। शराबबंदी का खुल्लम उल्लंघन किया जाता है और साथ में नकेल कसने में माल सलामी थाना कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।